रामदेव ने एलोपैथी संबंधी अपना बयान लिया वापस। सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी तो बाद बाबा रामदेव ने दिता स्पष्टीकरण। योग गुरु बाबा रामदेव इन्हीं दिनी अपने एक विवादित बयान नु लेके काफी ज्यादा चर्चा विच है। जी हाँ, बाबा रामदेव ने अपने विवादित बयान उते यूटर्न ले लिया। बाबा रामदेव ने एतवार नु एलोपैथी दवाई बारे किता ताजा बयान वापस ले लिया। बाबा रामदेव दे बयान दा डॉक्टर ने सख्त विरोध किया, जिस तो बाद केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एतवार नु एक पत्र लिखा अते बाबा रामदेव नु बयान वापस लेने लिए कहा। देर शाम रामदेव ने कहा कि वह मेडिकल साइंस दे हर रूप दा आदर करते ने अते एलोपैथी ने बहुत सारिया जाना बचाईया ने। सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दी चिट्ठी तो बाद बाबा रामदेव ने डॉक्टर अते एलोपैथी नु लेके दिता विवादित बयान वापस ले लिया। रामदेव ने ट्विटर ते सेहत मंत्री वालों भेजी चिट्ठी दा जवाब दिंदिया कहा, तुहाडा पत्र मिलिया, मैं डॉक्टरी तरीकिया बारे सारे विवाद नु अफसोस नाल रोकदिया अपने बयान वापस लैंदा हां अते इह पत्र तुहानू भेज रहा। नाल ही रामदेव ने अपने स्पष्टीकरण विच कहा कि असी आधुनिक मेडिकल प्रणाली अते एलोपैथी दे विरोधी नहीं हां, साडा मनना है कि एलोपैथी ने जीवन रक्षा प्रणाली अते सर्जरी दे खेतर विच वड्डी तरक्की कीती, इह मनुखता दी सेवा है। रामदेव ने कहा कि उसकी जिहड़ी वीडियो पेश की गई है ओह वर्कर नाल इक मुलाकात ही है, जिस विच उन्हां ने व्हाट्सएप ते आया एक मैसेज पढ़िया सी, पर जे इस नाल किसे दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची है तां मैनूं अफसोस है। तुहानू दस दईए कि बाबा रामदेव दा एक वीडियो सामने आया सी, जिस विच बाबा रामदेव कह रहे है कि एलोपैथी एक बकवास अते दिवालिया साइंस है। उन्हें कहा कि पहला क्लोरोकिन फेल हुई अते फिर रेमडेसिविर फेल हुई अते फिर एंटीबायोटिक फेल हुई, फिर स्टीरोइड फेल अते कल प्लाज्मा थेरेपी भी फेल हो गई। आओ तुहानू सुनाने आ बाबा रामदेव वालों एलोपैथी नू लेके किते गए बयान दी वीडियो। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमार्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं, टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। जिवें कि तुसीं सुनिया कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी नूं लैके काफी सारी गलत बयानबाजी कीती, जिस तों बाद केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव नूं चिट्ठी लिख के एलोपैथी खिलाफ दिते गए बयान नूं वापस लैण लई कहा। उन्हां कहा एलोपैथी उत्ते बयान वापस लो। सेहत मंत्री ने कहा कि बाबा रामदेव दे बयान कारण कोरोना योद्धियां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची है। दस दईए कि इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ने सेहत मंत्री नूं बाबा रामदेव खिलाफ उन्हां दे बयान करके कार्रवाई करन दी मंग वी कीती सी अते अपने बयान ते इन्ना सारा बवाल खड़ा वेख के बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस लै लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।